मेघा, हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। आज सियासी सच में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं अपर्णा यादव और प्रशांत किशोर की राजनीति का क्या होने वाला है अंजाम। हम आपको बताने वाले हैं अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में कौन से विकल्प की तलाश कर रही हैं। हम आपको बताएंगे कांग्रेस में शामिल ना हो जाने के बाद प्रशांत किशोर के सामने अब कौन से दरवाजे हैं जो खुले हैं। तो चलिए इस सियासी तक प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपर्णा यादव के साथ। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर शून्य से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। अपर्णा यादव को जीरो से एक बार फिर से अपनी पॉलिटिकल जर्नी को शुरू करना पड़ रहा है और अपर्णा पर बीजेपी दांव खेलेगी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव एक तरफ तैयारी कर रही हैं और वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही असमंजस भरी स्थिति राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी हो गई है। पीके जिन्हें लेकर चारों तरफ से माहौल ऐसा बन रहा था कि गुजरात चुनाव में, राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेंगे, वहीं पीके को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी जब कांग्रेस में नहीं मिली तो पीके ने कांग्रेस में शामिल होने का अपना ऑफर ठुकरा दिया। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीत की रणनीति तैयार की थी। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनका एक बेहद खास रिश्ता नीतीश कुमार के साथ रह चुका है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो ममता बनर्जी के लिए भी रास्ता तैयार कर चुके हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने सोचा सिर्फ सलाहकार या रणनीतिकार नहीं बल्कि सक्रिय नेता बनकर किसी पावर के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ता हूं, लेकिन कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी तो प्रशांत किशोर को अपने रास्ते बदलने पड़े। चारों तरफ से यह खबर पुख्ता हो चुकी है कि अब किसी भी लहजे से प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला भी ट्वीट कर चुके हैं और खुद प्रशांत किशोर भी कि कांग्रेस में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और समझिए बीजेपी अपर्णा यादव को और प्रशांत किशोर को कांग्रेस किस तरह से आगे इस्तेमाल करेगी, बीजेपी अपर्णा यादव पर कैसे दांव लगाएगी और प्रशांत किशोर अपनी राजनीति किस पार्टी के साथ चमकाएंगे, क्योंकि एनडीए के बाद कांग्रेस में भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या कहता है इन दो बड़े नामों के पीछे की पूरी रणनीति, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत के गलियारों में अपर्णा यादव और प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जहां एक तरफ अपर्णा यादव को अब तक भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने से ही इनकार कर दिया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अपर्णा से लेकर प्रशांत तक इनकी राजनीति किस तरफ आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और अपने परिवार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करती जा रही हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी पर लठ चढ़ने तक की बात कर चुकी हैं। अब अपर्णा को लेकर सियासत के गलियारों में चर्चे ये भी हो रहे हैं कि अब अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कोई जिम्मेदारी पाएंगी। जी हां, अपर्णा यादव पर बीजेपी कोई भी फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर ही लेगी। अपर्णा यादव पर बीजेपी 2024 में यूपी के बीच ही बड़ा दांव खेलेगी, ये बात काफी हद तक पुख्ता हो चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को चौतरफा निर्देश दे दिए हैं, अपर्णा को यूपी में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कह दिया है,
उसे देखकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अपर्णा को 2024 के लोकसभा चुनाव तक में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, पहले खबर ये भी आई थी कि इस बार की ईद से पहले ही अपर्णा यादव पर बीजेपी जरूर मेहरबान होगी। कहा जा रहा था कि इस बार की ईद से पहले अपर्णा यादव पर भाजपा कोई जिम्मेदारी सौंपेगी, जैसे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद देना। लेकिन यहाँ फिलहाल अब तक जो जानकारी सामने आई है, भाजपा ने अपर्णा को 2024 के लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के लिए कह दिया है और उसके बाद ही यहाँ पर बीजेपी कोई दाव खेलेगी। तो चलिए अब अपर्णा से आगे प्रशांत किशोर पर बात करते हैं। राजनीतिक जानकार, राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज की तारीख में कोई नया नाम नहीं है। पीके के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर आखिरकार विराम लग चुका है। आखिरकार पीके ने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया है, सोनिया गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर का अगला सियासी पड़ाव क्या होगा। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को हराने वाले अपने फॉर्मूले का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। पीके को कांग्रेस में एंट्री न मिलने की घोषणा करते हुए एक ट्वीट कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी किया गया है। आपको बता दें, पीके की कांग्रेस के साथ सियासी पारी को शुरू करने की संभावनाओं के अध्याय पर भले ही विराम लग चुका हो, लेकिन उनके लिए सियासी दरवाजे अब भी खुले हैं। प्रशांत किशोर अब महज चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीतिज्ञ के तौर पर काम करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे ताकि एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़कर वो काम कर सके, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में अब पीके के सामने अपने फॉर्मूले को अलीम जामा पहचानने के लिए सियासी विकल्प बचते हैं, ये सवाल है। आपको बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के लिए रणनीति बनाने और भाजपा की सत्ता में वापसी कराकर चर्चा में आए प्रशांत किशोर अब पीएम मोदी के खिलाफ ही राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश के साथ वो पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं और फिर 2018 में जेडीयू का दामन थाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। जेडीयू के साथ पीके अपनी सियासी पारी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चला सके और 2020 में अलग हो गए। इस तरह प्रशांत किशोर और भाजपा जेडीयू के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, एनडीए में अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। एनडीए में कोई दूसरा बड़ा दल नहीं है जिसके साथ वो जुड़ चुके, इसलिए बीजेपी में एनडीए में प्रशांत किशोर के पास कोई विकल्प है ही नहीं। हालांकि 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए एक प्लान वो तैयार कर चुके हैं और वो प्लान सपा के साथ जुड़ने का हो सकता है। जी हाँ, मिली जानकारी की माने तो कांग्रेस नहीं तो वहीं दूसरी तरफ पीके के पास अब भी सपा के साथ जुड़ जाने का प्लान है। अगर वो चाहें तो सपा के साथ जुड़कर पीएम मोदी का 2024 वाला रास्ता रोकने की कोशिश पुरजोर कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से आसान नहीं है अपर्णा यादव के लिए 2024 तक की राह, और प्रशांत किशोर के सामने इतने विकल्प के बावजूद राह बनती हुई नहीं नजर आ रही है। मेहनत अपर्णा को भी करनी है, मेहनत प्रशांत किशोर को भी, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ये दोनों ही नाम फिलहाल बीजेपी के लिए जरूरी है और प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए जरूरी है, तभी बात बन पाएगी। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करते रहें।